हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमसे चर्चा करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है आपका दिल्ली और कपूरथला के जो सेंटर में हो रहा है ट्रेड टेस्ट, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, हम जो है अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करने के बाद जो है आपके लिए एक अच्छा वीडियो तैयार करके आपको अपलोड करके बताते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो रहा है और कैसे कैसे लोग जो है वहाँ पे पास होते हैं और किस प्रकार लोगों का जो है रिजेक्शन होता है। तो हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट जब भी पहली बार आती है तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ दोस्तों कि कपूरथला में अगर आपका सेंटर गया हो या फिर आपका सेंटर दिल्ली में गया हो, यानी दिल्ली और कपूरथला दोनों ही सेंटर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपका सेंटर इन दोनों सेंटर में कहीं पर भी गया हो तो आपको जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन पहले जो है विज़िट करना है। यानी कि पंजाब आप पहले विज़िट कर लीजिए, चाहे दिल्ली, दोनों में से कहीं पर भी आप जो है एक दिन पहले विज़िट कीजिएगा जहाँ पर भी आपका सेंटर हो। तो एक दिन मैं पहले इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि एक दिन पहले अगर आप विज़िट कर लेते हैं या फिर वहाँ पे रूम वगैरह लेके थोड़ा आराम कर लेते हैं, जब आपकी बॉडी को रिलैक्स हो जाता है तब जाके जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ट्रेड टेस्ट का, तो वहाँ पर जो है आप मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी तक जितने भी सेलेक्शन हुए। जी हाँ दोस्तों, सबसे चीज़ जो मैं कॉमन फैक्टर वो बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी, जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है एक दिन पहले जो है वहाँ पे विज़िट किए हैं। क्योंकि हमारे पास जितने 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना हमें सिलेक्शन वाला अपना वीडियो शेयर किया कि सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है ट्रेड टेस्ट में। तो आपको ही पता है दोस्तों, 400 से 500 स्टूडेंट में सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे 4 स्टूडेंट मिलना भी कितना मुश्किल है हमारे लिए। तो इस प्रकार दोस्तों, ये चीज़ें साबित होती हैं कि आप जितना प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि जितने आप अच्छे से थकान से जब आपकी बॉडी फुल रिलैक्स होती है, आपका माइंड एकदम शांत होता है, तो आप जो है ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने ट्रेड टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा डॉक्यूमेंट से बताता हूँ ताकि हमारा हर व्यूवर जो है शुरू से ऐसा ना हो कि उसको हर वीडियो देखना पड़े, वो कोई भी वीडियो उठा के देख ले, उसे पूरा जानकारी मिल जाए कि ट्रेड टेस्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो आपका एडमिट कार्ड होने के बाद आपको चाहिए दूसरी चीज़, वो है आपकी आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। आईडी कार्ड में मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड आपका होना ज़रूरी है। आधार कार्ड ही ज़्यादातर देखिए मैंडेटरी है, लेकिन बट आप चाहें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा आपका, या वोटिंग कार्ड, यानी कि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी रहेगी तो आपका जो है काम चल सक जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा एजुकेशन के बारे में। 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा ही दोस्तों, बिना इसके तो आपका काम ही नहीं चलेगा। 10वीं या 12वीं आप में दोनों में से कोई भी एक हो आपके पास, तो जो आपका एग्ज़ाम जो है ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बैठने की अनुमति मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथी चीज़ जो है, वो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं सभी के लिए है जो कास्ट में अप्लाई किए हैं, जैसे SC, ST, OBC, EWC, तो ये जो EWS, तो जो ये सब कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए ही सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी जनरल कैंडिडेट को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो आपको लेकर जानी है, अपने साथ कैरी करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अपना 2 फोटो जो है पासपोर्ट टाइप फ़ोटो जो है अपने पास रखना है, क्योंकि ये भी लगने वाला है दोस्तों आपको वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है और सभी चीज़ों का जो है 2 जो है सेट बनाएंगे। सेट जी हाँ दोस्तों, जेरोक्स कीजिए हर चीज़ का और उसका 2 सेट बनाइए। पहला जेरोक्स अपने पास रखिएगा, दूसरा भी अपने पास रखिए, जब एग्ज़ामिनर आपसे मांगे तो आप उसके हाथ में एक दे दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, ये हो गया आपका डिक्टो जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली हैं, कैसे कैसे आपको करना है। अब आ जाते हैं हम ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ट्रेड टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे लगभग 400, जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो में हमने बताया कि 400 कभी 300 से आ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है एक अनुमानित यही है कि 400 से लेकर 500 लोग जो है वहाँ पर डे आते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो उन्हें एक साथ ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 20-20 के बैच में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये 20-20 के बैच में डिवाइड होने के बाद इस प्रकार की दोस्तों लाइन बना दी जाती है स्टूडेंट्स की, देख लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम में। तो ये लाइन है, इन सभी में जो है 20-20 बच्चे बैठेंगे। अब इन्हें एक नाम दिया जाएगा, 1, 2, 3,
फोर इस प्रकार जो है ये आपको बैच वाइज नाम दे दिया गया 1 2 3 4। अब अगर आपका बैच नंबर 4 है तो आपको याद रखना है, जब आपको टेट टेस्ट के बुलाएंगे तो आपका नाम या कुछ लेंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे बैच 4। तो आप बैच 4 में जितने भी 20 स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, और जो है हॉल जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे ये वाटर कैरियर का टेट टेस्ट चल रहा है जिसमें सभी सामान रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको पहला राउंड एक ये है दोस्तों कि आपका ओरल टेस्ट लिया जा रहा है। ओरल टेस्ट में आपको क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। ओरल टेस्ट में आपको करना क्या है, मसालों के नाम पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मसालों के नाम, तो मसालों में आपको पता ही है कितने सारे मसाले होते हैं, गरम मसाले, खड़े मसाले, तेज़पत्ता, इसी प्रकार लौंग, इलायची, जितने भी चीज़ें हैं मसालों में, तो उनमें से सभी नहीं आपको कम से कम 7 से 8 जो है मसाले के नाम वहाँ पे दिए रहेंगे, आपके सामने रखे होंगे, आपको उन्हें छूना है। जी हाँ दोस्तों, आप टच कर सकते हैं, टच और देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टच एंड सी, बस यही दो चीज़ आप कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं, उसके बाद आपको उसका नाम बताना है। तो ये हो गए दोस्तों मसालों का नाम लेके आपको बताना है। और हाँ, एक मुझे मैसेज में आया था कमेंट बॉक्स में कि सर खड़े मसाले हैं कि गरम मसाले, दोनों, यहाँ पे दोनों ही मसाले पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को जो है अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, तो उन्होंने कहा था सर हमारे टाइम पे पीसे हुए मसाले यानी गरम मसाले जो है रखे गए थे, और कुछ लोगों ने हमें बताया कि सर हमारे सामने खड़े मसाले रखे गए थे। यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें अपने को जो है जहन में रखनी है कि आपको खड़े मसाले भी पूछा जा सकता है और पीसे मसाले भी। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, आपसे बातें की जाएंगी। वेजिटेबल्स के सारे नाम आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लौकी किसे कहते हैं, दिखती कैसी है, वहाँ पर ढेर सारे जो है वेजिटेबल्स रखे रहेंगे, चाहे उसमें आप मेथी समझ लीजिए, पालक समझ लीजिए, नेनुआ समझ लीजिए, या पुदीन हरा, जिस प्रकार जितनी भी हरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वहाँ रखी रहेंगी, और आपसे पूछा जाएगा ये क्या क्या है वेजिटेबल्स में, क्या क्या यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नाम के साथ पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको पहचान होनी चाहिए। अब ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। अब इतना सब कुछ करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, जब ये सारे राउंड आपके कम्प्लीट हो जाते हैं, तब आता है आपका सेकेंड राउंड जो है ट्रेड टेस्ट। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से कम 40 से 50% जो हैं सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो है कम से कम 25वां, जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप हमें 25वां वीडियो है, और हम 25वें वीडियो में आपको बता रहे हैं ये कॉमन है जी दोस्तों, कि 40 से 50% लोग यानी आधे आध लोग सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मसालों के नाम नहीं पता है और ना ही वेजिटेबल्स के नाम अच्छी तरह से पहचान है कि कौन सी वेजिटेबल का नाम क्या है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रख के ही तैयारी करनी है कि जो आप उन 50% लोगों में ना शामिल हो। अब जब आप इसमें एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है बड़ा सा हॉल दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है आपको भट्टी दी रहेगी। अब उसके बाद जो है देखिए सभी के टेबल पे कुछ ना कुछ रखा रहेगा। अब ये जो 20 स्टूडेंट का मैंने आपको बैच बताया उसमें से डिवाइड हो जाते हैं 10-10, यानी कि यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा जो है डिवाइड एंड रूल कर दिया गया है, लेकिन आपकी बैच संख्या वही रहेगी 4-5 जो भी आपको दिया जाएगा। अब इनमें से जो है 5-10 लोगों को अलग काम दिया जाएगा, 10 लोगों को अलग। तो ये 10 को मैं आपको बता दूँ कि इन 10 में से जो है आटा सानने के लिए दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आटा आपको पता है आटा बनाना है, तो ये क्या करते हैं आपको 100 ग्राम आपको जो है आटा देते हैं, और आपको 1 मिनट का समय मिलता है। अब 1 मिनट के समय में आपको उस आटे को सानना है, और आपका हाथ भी साफ़ होना चाहिए। साफ मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे साफ का मतलब यह है कि आटा जो है आपके हाथ में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उस 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड्स के अंदर जो है आपको आटे को इस तरह सानना है कि वो रोटी के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है आटा सानने के लिए, उसके बाद जो है रोटी बनाने के लिए दी जाएगा। तो रोटी बनाने के लिए आपको दोस्तों एक गोल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखिए मैं, एक गोल नहीं है ये मेरा, ये अंडाकार शेप में आ गया, तो यहाँ ऐसा आपका रोटी नहीं होना चाहिए, आपकी जो रोटी है पूरी तरह से जो है गोल होनी चाहिए। और गोल के साथ दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ये साइड साइड वाला हिस्सा होता है ये अच्छी तरह से आप इसे पका लीजिए, और इसे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मोटा जो है, मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है रोटी गोल होनी चाहिए और अच्छी तरह से वो पकनी चाहिए और वो फूलनी चाहिए। जब आपकी रोटी फूलेगी, अच्छी तरह से पकेगी, तभी जो है आपका एग्ज़ामिनर जो है आपके पास आके देखेगा, और उसने अगर बदल दिया कि आपकी रोटी पतली है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर मोटी है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर एग्ज़ामिनर ने कहा कि नहीं आपका ओके है तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका ये चीज़। अब बात करते हैं ऑमलेट के लिए। ऑमलेट के लिए भी आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब 2 मिनट में आपको ऑमलेट बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो है तवा रख लीजिए,
जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं जिसे, आप तवा जो है चढ़ा दीजिए भट्टी पर या फिर गैस पर, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहेंगे। तवा गर्म होने दीजिए, उस पर थोड़ा तेल डाल के उसको चारों तरफ से फैला लीजिए, जैसे कि मैं ड्रैगन को भर दे रहा हूँ। इस प्रकार आपको क्या करना है, तवे को जब आप तेल से जो है चारों तरफ पूरा फैला देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब आपने अंडा जो यहाँ पे आपने जो अंडा यहाँ पे फोड़ के जिसमें अपना नमक मिर्ची सब मिक्स करके रखा है, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। जितने अच्छा आप मिलाएंगे इसको, उतना अच्छा आपको जो है मिक्सर रेडी होगा। इस मिक्सर को आपको यहाँ पे तवे पे डालना है, अब इसके बाद जो है इसको फैलाना है। तो ये आप जितना हो सके, जितना अगर आपको एक आमलेट दिया, एक अंडा है, दो अंडा है, उसके हिसाब से फैलाइएगा। एकदम पतला मत कर दीजिए, मीडियम रखिए, छोटा रहेगा चलेगा, लेकिन इसे गोल आकार, जी हाँ दोस्तों सर्कल का ही आकार दीजिएगा। देखिए मैं किस प्रकार जो है आपको सर्कल का आकार दे रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये आपका जो है सर्कल जो है आपका जो है बनना चाहिए अंडे का। और उसके बाद जब इसको पलटते हैं आप, तो अंडा आपने खाया होगा दोस्तों हाफ़ फ्राई करके एक होता है, तो आपको यहाँ हाफ़ फ्राई मत बना दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट तो यही सोच के आते हैं कि बस अंडा बनाने को कहा गया, बस फटा से रखा गया, दो मिनट का समय बुरा हुआ नहीं कि मेरा आमलेट तैयार है। आपको हाफ़ फ्राई नहीं किया गया दोस्तों, तो आपका अंडा पूरी तरह से जो है पकना चाहिए। और इसको जब गोल, देखिए किस प्रकार मैंने ये डायग्राम में गोल किया है, इस प्रकार गोल करके जो है आपको अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद पूरी तरह से दोनों साइड से पकना चाहिए। आपको पता है जब अंडा पूरी तरह से पकता है तो अच्छी तरह से फूलता है, जैसे हमारा रोटी फूलता है उस प्रकार जो है उसमें उतनी फुलाव नहीं आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मेरा अंडा जो है पक गया अच्छी तरह से और फूल जाता है। और जब हम उसको नॉर्मली कच्चा उतार देते हैं तो फूलता नहीं, वो चिपटा होता ज़्यादा, तो वो नहीं होना चाहिए आपके अंडे में। वो फील होना चाहिए कि हाँ आपका अंडा पूरी तरह से पका हुआ है और हल्का सा फूला रहेगा उसमें, जैसे ऐसा लगेगा कि एयर बबल्स जो है उसमें आ जाते हैं, यानी हवा भरा हुआ रहता है। तो ये हो गया आपका ऑमलेट। ऑमलेट में दूसरी चीज़ आपको जो रखनी है, ऑमलेट टूटना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टूटा अगर ऑमलेट आपका तो समझ लीजिए आप वहीं पर रिजेक्ट हो गए। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑमलेट टूटना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गई आपके ऑमलेट को लेकर बातें। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स कटिंग्स में। तो वेजिटेबल्स कटिंग्स में आपको पता है लौकी काटने के लिए दिया जाता है, कभी आपको नेनुआ काटने के लिए दिया जाता है। तो लौकी को देखिए कैसे काटा जाता है, इस प्रकार सर्कल टाइप में। तो ये लौकी आपका कटिंग होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है बनाने के लिए देते सब्जी। जी हाँ दोस्तों, सब्जी में आपको भिंडी की सब्जी दी जा रही बनाने के लिए। अब आपको पता है भिंडी को इंग्लिश में वैसे लेडी फिंगर कहते हैं, तो लेडी फिंगर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसे देखिए, उसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है भिंडी का, ये नुकीला होता है यहाँ पर इस प्रकार थोड़ा सा, जिसे डना कहते हैं। आपको यहाँ से काटना है इसको, ऐसे से आपने काट लिया तो ये आपकी भिंडी तय हो गई, जो इसका वेजिटेबल का जो कटिंग है। ये पहला स्टेप तो आपका पूरा हो गया। उसके बाद आपको इसको पैन में तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पूरा रेसिपी मैं आपको नहीं बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अब आपको इसको अच्छी तरह से जो है सूखी सब्जी है दोस्तों भिंडी, इसको अच्छी तरह से पकाना है। उसका जो लीवरपन जिसे हम कहते हैं ना, जब आप भिंडी काटेंगे तो आपको देखिए उसमें हाथ में छिपछिपा आपको लग जाता है, जब आप इसको पकाएंगे अच्छी तरह से तो वो उतना नहीं रह जाता। तो आप जब अच्छे से भिंडी पका लेंगे तो वो भिंडी आपकी ओके हो जाएगी। ये हो गया आपका भिंडी सब्जी बनाना। अब हम आ जाते हैं बात करते हैं अपने सलाद कटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सलाद, तो सलाद कैसे काटना है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सलाद में आपको देखिए जो जो दिया रहेगा, जो भी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, गाजर, आप प्याज कहते हैं तो आप प्याज कह लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं प्याज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले मेरे एक वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि सर आपको पता नहीं, उसे प्याज कहते हैं, कांदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है मुंबई से हैं, ये हमारा क्लासेस मुंबई में है और यहाँ पर जो है प्याज को कांदा कहा जाता है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मुझे पता है कि प्याज क्या है, कांदा क्या है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जब हम वीडियो बना रहे तो हमें इतनी नॉलेज तो है कि प्याज को प्याज ही कहा जाता है, कांदा भी प्याज ही होता है। अब आपको नहीं पता कि आप दूसरे शहर से हो शायद, बट मैंने वो मेंशन किया उनको कमेंट में जवाब देकर। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम सलाद काटने में। तो आपको जो है प्याज दिया हो या कांदा दिया जाओ, जो भी दिया है आपका, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं, या फिर आप ऑनियन समझिए, तो आपको इसको जो है गोल गोल काटना है। गाजर को भी देखिए गोल गोल काटना है। उसके काटने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसको सजाना। इस प्रकार दोस्तों आपको सलाद को काटने के बाद उसे सजाना चाहिए। सजाने के बाद ही जो है आपको अच्छे जो है मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 40 मार्क्स का आपको पता है ट्रेड टेस्ट है, आपको एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप जो है सलाद को काटिए, अच्छी तरह से उसे सजाइए प्लेट में,
जब एग्जामिनर आपके पास जाएगा वो आपको देखेगा तो उसको इम्प्रेशन जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन, तो आपकी सजावट जितनी सुंदर होगी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जितने भी जो है एक्सपीरियंस हो रहे हैं वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में सारी चीज़ें बता दी। आज हमारे साथ जो है एक स्टूडेंट है जिनका नाम नीरज करके था। जी हाँ दोस्तों, नीरज सर ने हमें अपना जो भी एक्सपीरियंस दिया वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। उनका सिलेक्शन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आपको पता है दोस्तों, हम जब कम से कम 5 या 6 वीडियो बनाते तो जाके हमें एक स्टूडेंट मिलता है जिसका सिलेक्शन हुआ रहता है। तो नीरज सर का भी नहीं हुआ, बट उन्होंने अपनी पूरी जितनी भी जानकारी थी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच नीरज सर, और होप सो आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। हम भगवान से ये कामना करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।